हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। दिस इज क्लास नंबर 6 ऑफ ज्योग्राफी PYQs। प्रीवियस वीडियो में हमने ट्राइब्स के बारे में देखा था, ट्राइब्स और कुछ स्पीसीज के बारे में। यहाँ पर भी हम जो हमने वहाँ पर छोड़ा था उससे कंटिन्यू करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ ट्राइब्स इन इंडिया। भारत में जो ट्राइब्स को डिफाइन करने का आधार क्या है, डिटर्मिनेशन का आधार क्या है। अगर हम आपसे पूछें कि ये कोई जनजाति है, तो इसको आप किस आधार पर बताओगे कि ये जनजाति का पार्ट है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं महार कौन है, तो महार क्या बोलोगे आप कि ये ST नहीं है, SC में आते हैं। तो आप क्या क्राइटेरिया देखोगे, क्या बेसिस देखोगे जिसके बेसिस पर आप बता सकते हो कि ये ट्राइब क्या है और ट्राइब्स की कैटेगरी में आते हैं। कल्चरल स्पेसिफिकेशन एंड डिफरेंट हैबिटेशन, क्या कल्चर में विभिन्नता और अलग अलग उनका डिफरेंट हैबिटेशन होना चाहिए, या भाषा और डायलैक्ट्स, बोली, डिफरेंस इन सोशल कस्टम्स या इकोनॉमिक स्टेटस। देखिए, चारों हो सकते हैं, चारों नहीं हो सकते। इसमें जो मोस्ट सुटेबल है वो क्या है, ए है। जो कल्चर होते हैं, देखिए क्या होता है कि ये जो ट्राइब्स होती हैं तो इनका कल्चर बिल्कुल अलग अलग होता है। ट्राइब्स का कल्चर क्या होता है, अलग होता है और रहना सहना भी अलग होता है। अब मैं आपसे पूछूं टोडा जनजाति कहाँ रहती है, तो ये मोस्टली नीलगिरी हिल्स पर रहती है। नीलगिरी हिल्स पर कौन से राज्य में ज़्यादा देखने को मिलती है, तमिलनाडु में। फिर मैं आपसे पूछूं गद्दी कहाँ देखने को मिलते हैं, तो आपके मन में फिर स्टेट ही आएगा, कहाँ, हिमाचल प्रदेश में। तो यहाँ पर आप डिफरेंट हैबिटेशन, उनके हैबिटेशन के बेसिस पर और कल्चर के बेसिस पर, कि अब हम आपसे पूछें कि टोडा क्या करती हैं या गड्डी क्या करती हैं, तो वो आप बताओगे, वो इनका कल्चर क्या है, अलग अलग हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, किन किन बेसिस पर आप जो ट्राइब है उसको डिटरमाइन कर सकते हो। एक तो कल्चरल स्पेसिफिकेशन और एक हो गया आपका डिफरेंट हैबिटेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच ऑफ द फॉलोइंग। एक तरफ आपको क्या है, यहाँ पर ट्राइब दी हुई है और एक तरफ जिला दिया हुआ है। ये क्वेश्चन MP PCS प्री 1999 में आया था, तो ये मध्य प्रदेश से ही संबंधित है। तो यहाँ पर पहाड़ी, कोरबा, बैगा, मारिया, सहरिया दिया हुआ है, और इधर जगह दी है MP की मंडला, जसपुर, ग्वालियर, पठानकोट, जिसको छिंदवाड़ा बोला गया, तो ये दिए गए हैं, तो इनको मैच करना है। तो पहाड़ी कोरबा की बात करें तो ये कहाँ देखने को मिलती है, जसपुर में, और बैगा जनजाति काफी इंपॉर्टेंट है, बैगा जनजाति, तो ये आपको मंडला में देखने को मिल जाएगी, कहाँ, मंडला में। मारिया जनजाति ये छिंदवाड़ा में देखने को मिलती है, और सहरिया जनजाति ये ग्वालियर में। वैसे मेनली सहरिया कहाँ, राजस्थान में पाई जाती है, लेकिन MP के ग्वालियर में भी देखने को मिल जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ए का सेकंड, बी का वन, सी का फोर्थ और डी का थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच द स्टेट टू विच दे बिलोंग टू। यहाँ पर ट्राइब्स दी गई हैं और इधर स्टेट दिए गए हैं। देखिए, मोपला रिवोल्ट भी आपने पढ़ा होगा, मोपला कहाँ पर चला था, केरला में। ठीक है, टोडा जनजाति बार बार बताई थी हमने, कहाँ मिलती है, तमिलनाडु में। उसके बाद फिर मुरियाज, मुरियाज अभी हमने देखे हैं, तो मुरिया कहाँ देखने को मिलते हैं, छत्तीसगढ़ में। मुरिया कहाँ देखने को मिलते हैं, छत्तीसगढ़ में। और मुंडा कहाँ देखने को मिल जाएंगे आपको, उड़ीसा राज्य में। तो आप देखिए, आंसर अगर एलिमिनेशन से हो जाता है तो एलिमिनेशन भी ट्राई कीजिए, एलिमिनेशन नहीं लगता है तो फिर आप आगे देखना कि कितना आपको आता है। तो मोफला केरला में, थर्ड, ए का थर्ड, तो सीधा आंसर मिल रहा था डी, मोपला से ही आपका आंसर मिल रहा था, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टोडा ट्राइब्स मोस्टली रिसाइड्स इन। टोडा ट्राइब आपको कहाँ देखने को ज्यादा
मिल जाएगी। तो नीलगिरी हिल्स तमिलनाडु वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट है। यहाँ नॉट करेक्ट पूछा है कि इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये बिल्कुल सत्य है, कहीं पर ऐसा संविधान में लिखा हुआ नहीं है, इनकी डिफाइन नहीं है कि ये शेड्यूल्ड ट्राइब का मतलब ये होता है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया अकाउंट्स फॉर अ लिटिल ओवर हाफ। ओवर हाफ का मतलब है कि 50% से ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में है। ट्राइबल जो पॉपुलेशन है उसका आधा परसेंट मतलब 50% से ज्यादा नॉर्थ ईस्ट में है। द पीपल नोन एज टोडाज लिव इन द नीलगिरी एरियाज। ये बिल्कुल सत्य बात है, टोडा का नीलगिरी। लोथा इज अ लैंग्वेज स्पोकन इन नागालैंड। तो लोथा लैंग्वेज कहाँ बोली जाती है, ये नागालैंड में, तो ये भी सत्य है। देखिए जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है इंडिया का, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, वहाँ 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं रहती है। इतना पॉपुलेशन तो उधर है भी नहीं कि ट्राइबल एरियाज की 50% उधर ही देखने को मिल जाए। नियरली कितना, 12% के आसपास ट्राइबल पॉपुलेशन नॉर्थ ईस्ट रीजन में देखने को मिल जाएगी। तो करेक्ट आंसर इसके ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नॉट करेक्ट पूछा था ना, नॉट करेक्ट पूछा था, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू चंगपा कम्युनिटी ऑफ इंडिया। चंगपा कम्युनिटी से संबंधित क्वेश्चन है, स्टेटमेंट्स दी गई हैं, कौन कौन सी स्टेटमेंट सत्य है कौन सी गलत है, तो यहाँ पर सत्य पूछा है, ठीक है वो बताना है। दे लिव मेनली इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। क्या चंगपा उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं, नहीं। कहाँ देखने को मिलते हैं, मोस्टली लद्दाख वाले रीजन में देखने को मिलते हैं। चंगपा कम्युनिटी कहाँ देखने को मिलती है, लद्दाख वाले रीजन में। और ये क्या होते हैं चंगपा, ये सेमी नोमेडिक होते हैं, सेमी नोमेडिक तिब्बतियन, सेमी नोमेडिक तिब्बतन लोग होते हैं। और ये जो आपका हमारा लद्दाख वाला एरिया है वहाँ मोस्टली देखने को मिल जाएंगे। दे रियर द पाशमीना गोट दैट यील्ड फाइन वूल। बिल्कुल सत्य बात है, चंगपा क्या है जो पाशमीना गोट है उसकी ऊन निकालते हैं और वो काफ़ी अच्छी वैरायटी की मानी जाती है, ये कथन सत्य है। दे आर कैप्ट इन द कैटेगरी ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। बात है कब की, 2001 की, 2001 से इनको ST कैटेगरी में काउंट किया जाता है, तो ये भी सत्य है। तो दो ऑप्शन, दो स्टेटमेंट सत्य हैं और फर्स्ट क्या है रॉन्ग है, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ प्रिमिटिव ट्राइब। प्रिमिटिव का मतलब होता है कि देखिए एक तो ट्राइबल ग्रुप है और ये प्रिमिटिव मतलब जो सबसे ही पुराने हैं, सबसे पुराने, ठीक है, ट्राइब्स में भी जो सबसे पुराने हैं उनको प्रिमिटिव ट्राइब बोला जाता है और उनकी प्लेस दी गई है, और इनमें कौन करेक्ट नहीं है वो बताना है आपको। ठीक है, बुक्सा कहाँ देखने को मिल जाते हैं, पौड़ी गढ़वाल मतलब उत्तराखंड वाले रीजन में, बिल्कुल सही है। बुक्सा जो जनजाति है कहाँ देखने को मिलती है, उत्तराखंड वाले रीजन में। कोल जनजाति कहाँ, जबलपुर में देखने को मिल जाएगी, जबलपुर एमपी में। मुंडा छोटा नागपुर वाले रीजन में देखने को मिल जाएगी। कोरबा जनजाति मेनली कहाँ देखने को मिलती है, झारखंड और छत्तीसगढ़ वाले रीजन में, झारखंड एंड छत्तीसगढ़ रीजन में। और कोडागु किस जगह पर है, कोडागु कहाँ है, कर्नाटका में, तो कर्नाटक में कोरबा जनजाति देखने को नहीं मिलेगी, तो इसका क्या है यही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नॉट करेक्ट पूछा है ना, तो ऑप्शन डी, कोरबा मिल्ली झारखंड और छत्तीसगढ़ में देखने को मिलती है, कर्नाटक में नहीं। और कोडागु कहाँ का शहर है, कर्नाटक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्टेट्स एंड ट्राइब्स इज नॉट करेक्टली मैच। यहाँ भी नॉट करेक्टली मैच पूछा है, आसाम
मीरी जो ट्राइब है आसाम में देखने को मिलेगी, बिल्कुल। मीरी कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में ही देखने को मिलती है। नागालैंड, कोनियाक, बिल्कुल सत्य है, कोनियाक जो ट्राइब है नागालैंड में देखने को मिलेगी। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, अपाटानी, ये भी सत्य है। अबोर, अपाटानी, ये सब कहाँ, मिसमी, ये कहाँ देखने को मिलती हैं, सब अरुणाचल प्रदेश में। मध्य प्रदेश में लंबाड़ा, ये गलत है। देखिए लंबाड़ा जो पॉपुलेशन है वो कहाँ में देखने को मिलती है, मेनली देखिए अफगानिस्तान से इंडिया की तरफ आए, अफगानिस्तान से इंडिया की तरफ, और कहाँ रिसाइड किए, मेनली राजस्थान में ये देखने को मिल जाते हैं। राजस्थान के अलावा ये आपको कुछ छुटपुट पॉपुलेशन आंध्र, कर्नाटका और महाराष्ट्र में भी देखने को मिल जाएगी। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, यहाँ पर नॉट करेक्टली पूछा है। तो शेरपा जनजाति कहाँ देखने को मिलती है, शेरपा आपने देखे होंगे नेपाल में ही है मोस्टली, देवबहादुर शेरपा काफी नाम सुने होंगे, तो वहाँ के जो पीएम थे भी, प्रेसिडेंट थे वो भी क्या है, शेरपा कम्युनिटी से थे। थारू जनजाति ये कहाँ, उत्तराखंड में देखने को मिल जाएगी, बिल्कुल सही है, उत्तराखंड के साथ उत्तर प्रदेश के तराई रीजन में और बिहार के तराई रीजन में देखने को मिल जाती है, तराई वाला जो भाग है वहाँ देखने को मिल जाती है थारू जनजाति। टोडा ये साउथ इंडिया में, बिल्कुल सत्य है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु कर्नाटक में देखने को मिल जाती हैं। जूलू उड़ीसा में, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, जूलू हमारे यहाँ की नहीं है ट्राइब, जूलू कहाँ के, साउथ अफ्रीका की ट्राइब है, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में देखने को मिलती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नॉट करेक्ट पूछा है। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो, यहाँ पर छिंदवाड़ा, मंडला, झाबुआ, शिवपुरी, चारों एमपी के जगह है और इधर क्या है, ट्राइब्स दी गई हैं, तो आपको मैच करना है। ठीक है, जो एमपी डीप पढ़ा है वो तो इसको कर ले जाएगा, जिसने एमपी नहीं पढ़ी है तो वो अपने आईक्यू से कोशिश करना। छिंदवाड़ा कहाँ देखने को, छिंदवाड़ा में भरिया जनजाति देखने को मिलती है, मांडला में कौन सी, मांडला में गोंड देखने को मिलती है, झाबुआ में भील जनजाति देखने को मिलेगी, शिवपुरी में सहरिया जनजाति। ठीक है, सहरिया जनजाति मेनली वैसे राजस्थान में पाई जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा, टू, ए का टू इन दोनों में है, तो ये दो स्टेटमेंट तो ऑलरेडी कट जाएंगे। बी का क्या है, थर्ड, बी का थर्ड सी में है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स इज नॉट द नेटिव ऑफ अंडमान एंड निकोबार, देखिए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में बताया था कि हमने कौन कौन सी जनजाति देखने को मिल जाती हैं, तो आपको यहाँ ओंग देखने को मिल जाती है, ओंग सोमपेन देखने को मिल जाती है, ओंग सोमपेन, हालचू देखने को मिल जाती है। ठीक है, ये जनजातियाँ देखने को मिलती हैं, तो यहाँ पर नॉट करेक्ट पूछा है, हालचू है, ओंग है, सोमपेन है, रेंगमा नहीं है, तो रेंगमा इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेंगमा कहाँ देखने को मिलती है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में के जो स्टेट है नागालैंड आसाम, वहाँ देखने को मिल जाती है, नागालैंड आसाम में कौन से, रेंगमा, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरेटरीज डू द पीपल ऑफ ओंग ओंग ट्राइब लिव, तो ये ओंग ट्राइब है, ओंग ट्राइब कहाँ देखने को मिल जाती है, तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स पर ये देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द सोमपेन ट्राइब फाउंड, तो ओंगे ट्राइब देखा हमने और सोमपेन ट्राइब भी बताया है, कहाँ पर देखने को मिलती है, सोमपेन जो आपका अंडमान निकोबार आइलैंड है वहां देखने को मिल जाती है सोमपेन ट्राइब।
नेक्स्ट है जारावा ट्राइब इज फाउंड इन जारावा, कहाँ देखने को मिलती है? जारावा भी आपको देखने को मिल जाएगी अंडमान निकोबार आइलैंड्स पर, तो निकोबार आइलैंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेयर डू द पीपल ऑफ जारावा ट्राइब, वही पूछा है कि जारावा ट्राइब कहाँ देखने को मिलेगी? अंडमान निकोबार में। तो कौन कौन सी ध्यान रखना है? सोमपेन, ओंग, जारावा, तो ये जनजातियां कहाँ? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पर देखने को मिलती हैं। तो इनके नाम आप याद रखना है, क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट टेरिटरी जारावा ट्राइब, जारावा से रिलेटेड ही पूछा है, तो अंडमान निकोबार में देखने को मिलती है। नेक्स्ट द मोस्ट प्रिमिटिव ट्राइब ऑफ इंडिया इज, यहाँ पर मोस्ट प्रिमिटिव पूछा है, तो जारावा जनजाति हो जाएगी जिनका रहना सहना आज भी वैसा ही है जैसा पहले था, तो ये मोस्ट प्रिमिटिव है। ठीक है, इनकी जनसंख्या भी क्या होती है, जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स की जनजातियां हैं उनकी जो काउंटिंग होती है वो कैसे होती है? हेलीकॉप्टर की हेल्प से होती है, हेलीकॉप्टर की हेल्प से की जाती है, क्योंकि उनके क्षेत्र में जाना अलाउड नहीं है, तो हेलीकॉप्टर की हेल्प से वो काउंट किए जाते हैं। नेक्स्ट अ कम्युनिटी ऑफ पीपल कॉल्ड मांगनियार इज वेल नोन फॉर देयर, मांगनियार कम्युनिटी ये क्या है? एक मुस्लिम कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी है, किसके लिए जानी जाते हैं? अपने इसके म्यूजिक के लिए जाने जाते हैं, फेमस हैं किसके लिए? म्यूजिक ट्रेडिशन के लिए, और राजस्थान के डेजर्ट एरिया में पाए जाते हैं, उसके साथ साथ ये पाकिस्तान में भी देखने को मिल जाती है मांगनियार कम्युनिटी। तो ये किसके लिए जाने जाते हैं? मार्शल आर्ट के लिए, म्यूजिक ट्रेडिशन के लिए, क्लासिकल वोकल म्यूजिक के लिए, पिट्रादुरा पेंटिंग जो होती है उसके लिए पेंटिंग, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर म्यूजिकल ट्रेडिशन होगा। म्यूजिकल ट्रेडिशन इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया का मतलब हो गया राजस्थान वाला जो पार्ट है, राजस्थान और पाकिस्तान वाला पार्ट। नेक्स्ट हु अमंग द फॉलोइंग इज अ प्रिमिटिव ट्राइब, यहाँ पर इन चारों में कौन सी प्रिमिटिव ट्राइब है तो उसके बारे में बताना है। झारखंड में टोटल क्या, झारखंड पीसीएस में आया, झारखंड में टोटल 32 ट्राइब्स देखने को मिल जाते हैं, मेनली 32 ट्राइब्स है, जिसमें से क्या है 8 ट्राइब कैसी है पीवीटीजी कम्युनिटी में आती हैं, प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में, तो उनमें एक जनजाति कोरवा भी आती है, कोरवा, तो कोरवा इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन कौन सी आती हैं? और असुर, बिरहोर, ब्राजिया, कोरवा पहाड़िया, साबर, माल पहाड़िया और सोरिया पहाड़िया, तो ये 8 जो ट्राइब हैं ये देखने को मिलती है। 8 के नाम याद नहीं रखना है, बस एक नज़र दौड़ा देनी है कि पूछ लिया जाए तो बता दे। झूमिंग इज प्रैक्टिस्ड बाय, झूमिंग जो खेती है किसके द्वारा प्रैक्टिस की जाती है? भोटियास, संथाल्स, खासीज या टोडास। तो देखिए जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है वहाँ झूमिंग खेती ज़्यादा देखने को मिल जाएगी, झूमिंग कल्टीवेशन, तो ये नॉर्थ ईस्ट की एक जनजाति है खासी, तो उसके द्वारा प्रैक्टिस की जाती है, तो करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन बी होगा। और ये कहाँ पाई जाती है खासी जनजाति? ये पाई जाती है मेघालय में, मेघालय में हमने क्या है 3 पहाड़ियाँ भी बताई हैं, गारो, खासी, जयंतिया, तो इन्हीं के नाम पर क्या ट्राइब, यहाँ पर ट्राइब रहती है तो इसीलिए इनका नाम गारो, खासी, जयंतिया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच इज द शेड्यूल्ड ट्राइब हु मेक्स कटेचू, ठीक है, कटेचू होता क्या है? जो अपने खेर का पेड़ देखा होगा, खेर, ठीक है, उससे क्या है कत्था बनाया जाता है, कत्था, आपने चूना देखा होगा जो खैनी वगैरह खाते हैं तो उसमें कत्था भी मिलाते हैं, तो उस कत्था, ये कत्था को ही कटेचू बोला जाता है। ठीक है, कटेचू किसको बोला जाता है? कत्था को। और कौन सी ट्राइब के द्वारा ये काम किया जाता है?
बिंजवार, धनवार, खैरवार, मंझवार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर खैरवार होगा, जो खैर नाम है इसी से ऐसा माना जाता है इनका नाम क्या है, खैरवार पड़ा है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू, मतलब लिस्ट वन में ट्राइब दी गई है और लिस्ट टू में स्टेट दिए गए हैं, मैच करना है। टोडा जनजाति अब तो आपको याद होगी होगी, कहाँ, तमिलनाडु में, ठीक है। जारावास अंडमान एंड निकोबार में। भील जनजाति राजस्थान में देखने को मिलती है, संथाल्स झारखंड में। तो अब तो आप भी लगा सकते हो, ठीक है। तो मैच कीजिए, संथाल का क्या होगा झारखंड, ए का क्या होगा थ्री होगा, ए का थ्री सिर्फ बी में आ रहा है, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु स्पीक कुडुख डायलैक्ट, कुडुख बोली किसके द्वारा बोली जाती है, तो ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ओरियन, ओरियन के द्वारा, ओरियन ट्राइब है उसके द्वारा बोली जाती है, और ये कहाँ देखने को मिलती है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। तो कुडुख बोली आपको ध्यान रखना है, द्रविडियन फैमिली की ही एक ये बोली है। नेक्स्ट, इन विच स्टेट हलाम, नोटिया ट्राइब आर मेनली सीन। हलाम और नोटिया ट्राइब आपको किस एरिया में देखने को मिल जाएगी, तो ये जो दोनों ट्राइब हैं कहाँ की हैं, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में देखने को मिलती हैं, और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में भी मेनली त्रिपुरा में देखने को मिलेंगी, हलाम और नोटिया। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर लिस्ट वन और लिस्ट टू दी गई है, एक तरफ आपको ट्राइब्स दी गई हैं, एक तरफ स्टेट दिए गए हैं। तो लगाइए टोडा जनजाति से लगाइए, टोडा तमिलनाडु, गद्दी हिमाचल प्रदेश, गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, मेघालय में, नागा मिलती है नागालैंड और मणिपुर में। तो ये इसका सही क्रम है। तो देखिए ए का क्या है, टू है, ए का टू सिर्फ ऑप्शन डी में है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इन विच ट्राइब द किचन कोल्ड लाल बंगाला, किचन को यहां पर जो रसोई है उसको लाल बंगाला किस ट्राइब के द्वारा बोला जाता है, कामर, भूंजिया, हलवा या गोंड। जो भूंजिया ट्राइब है, भूंजिया ये क्या है, किचन को क्या है, देखिए ये रहते कहाँ है, मिट्टी पर रहते हैं, मिट्टी पर। भूंजिया कहाँ पर रहते हैं, मिट्टी पर रहते हैं, और ये किचन को क्या बोलते हैं, लाल बंगला बोलते हैं। मेनली ये भूंजिया कहाँ, किस राज्य में देखने को मिलेंगे, उड़ीसा वाले क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं, ये बैगा और छत्तीसगढ़ी भाषा बोलते हैं, बैगा और छत्तीसगढ़ी। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, इन विच ट्राइब ट्रेडिशनली देयर लाइवलीहुड इज बेस्ड ऑन बैम्बू। जो अपना जीवन यापन करते हैं, जीवन यापन किसके सहारे करते हैं, वो बांस के सहारे, बांस की टोकरियां बना दी, बांस की कोई भी अनेकों चीज बनाई, ठीक है, उससे अपना जीवन यापन करते हैं। तो वो कौन सी ट्राइब है, इसमें करेक्ट आंसर होगा कंवर। ओ ये कंवर और कमर में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कमर होगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कमर होगा। ये क्या करते हैं, बांस से ही धनुष बाण बनाते हैं और उससे ही शिकार करते हैं, ठीक है। धनुष बाण लगा के यहाँ पर उससे क्या शिकार करते हैं, और फिर उसके बाद हंटिंग गैदरिंग के साथ कुछ फॉरेस्ट प्रोडक्ट भी इकट्ठा करते हैं, उसी से अपना जीवन यापन करते हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, इन विच प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स हैव द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में इनमें से कौन सी पॉपुलेशन ज्यादा देखने को मिलती है, तो बैगा जनजाति सबसे ज्यादा देखने को मिल जाएगी कहाँ, छत्तीसगढ़ में। बैगा की बात करें तो ये प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप है, ठीक है, लार्जेस्ट है कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में। और बैगा कहाँ रहते हैं, ये जंगल में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, जंगल में रहते हैं।
और इनको क्या है पृथ्वी का ओरिजिनल हैबिटेंट्स माना जाता है, बैगा जनजाति को ओरिजिनल हैबिटेंट्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है बिलामा डांस इज परफॉर्म्ड बाय विच ट्राइब। यहां पर एक डांस दिया गया है उसका नाम है बिलामा डांस। बिलामा डांस किसके द्वारा परफॉर्म्ड किया जाता है? तो ये बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। बैगा जनजाति जो मेनली छत्तीसगढ़ वाले रीजन में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हु इज टैटू मेकर या गोदाना मेकर, जो टैटू बनाते हैं ना बॉडी पर। तो हु इज टैटू मेकर शेड्यूल्ड ट्राइब, इनमें से कौन सी जनजाति है जो शरीर पर टैटू गुदवाती है? ठीक है, इनको गोदाना मेकर या टैटू मेकर बोला जाता है। तो मेनली बैगा जो जनजाति है, बैगा जनजाति वो क्या है अपने शरीर पर टैटू गुदवाती हैं। बैगा में भी मोस्टली जो वुमेन होती हैं, वुमेन वो क्या है टैटू के लिए जानी जाती हैं। इसके अलावा जो ओझा और आपके ओझा और इसके अलावा आपका बदनी, बदनी देवार, ये जनजातियां भी क्या है टैटू गुदवाती हैं। और ये कहाँ देखने को मिल जाती है? ओझा, बदनी, देवार, ये एमपी में देखने को मिलती हैं, ये भी टैटू गुदवाती हैं। तो करेक्ट आंसर इसका ओझा हो जाएगा। बदनी देवार आता तो वो भी लगा सकते थे, बेगा आता तो बेगा भी लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वेल मैच्ड, इनमें से कौन सा वेल मैच्ड नहीं है? एक तरफ ट्राइब दी गई है, जनजातियां दी गई हैं, जनजाति, एक तरफ इनकी सबकास्ट दी गई है। तो जो आपकी गोंड ट्राइब है, गोंड ट्राइब की सब कास्ट क्या क्या है देखिए यहाँ लिख देते हैं। गोंड जो ट्राइब है इसकी सब कास्ट आपको देखने को मिलेंगी प्रधान, प्रधान, अगारिया, ओझा, ये सब किसकी है? गोंड की है, नागरची और सोलास। तो ये किसकी सब कास्ट है? गोंड की, याद रखना है। बात करें वहीं बैगा की, तो बैगा की सब कास्ट क्या है? बिजवार है, बिजवार, नाहर है, बिजवार, नाहर, भरोटिया है, भरोटिया, भरोटिया, नरोटिया है, नरोटिया, राय भैना है, राय भैना और कद भैना है, यहां लिख के देते हैं कद बहना है। तो ये किसकी है? बैगा की है, कद बहना। तो ये बैगा की है, गोंड की प्रधान, अगारिया, ओझा, नागरची, सोलाज एंड बैगा की बिजवार, नाहर, भरोटिया, नरोटिया, राय बहना और काद बहना। वहीं पर फिर बात करते हैं पटलिया की, तो ये जो पटलिया है ये सब कास्ट किसकी है? भील की। ये किसकी है? भील की। और महार जो है, महार क्या है? एसटी में नहीं आते, ये एससी में आते हैं। किस में आते हैं? महार जनजाति एससी में आती है। ठीक है, कोरकू की सब कास्ट देख लेते हैं। कोरकू की कौन कौन है? आपका नहाला है, नहाला, वावारी, नहाला, वावारी, बोडोया, ये सब किसकी हैं? कोरकू की हैं, कोरकू की हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसमें गोंड हो जाएगा, क्योंकि गोंड में अगारिया देखने को मिल रही है। बैगा में देखे तो बिजवार है, बिल्कुल है, तो बिजवार भी सत्य हो जाएगा। इसके अलावा जो भारिया है, देखिए पटालिया ये किसकी है सब कास्ट? भील की है, तो इसका ये गलत हो जाएगा। और कोरकू महार तो हो नहीं सकता, क्योंकि महार एससी में आते हैं। तो ए और बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए और बी। क्लियर? अगर देखिए नॉट पूछा है तो सी और डी होगा, और वेल मैच्ड पूछा है तो ए और बी हो जाता है। यहाँ पर सी और डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द अबव फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ट्राइब एंड स्टेट इज नॉट मैच्ड। इनमें से ट्राइब दी गई है, स्टेट दिए गए हैं, कौन सा मैच नहीं करता है? तो भील जनजाति आपको राजस्थान के साथ साथ गुजरात में देखने को मिलेगी, गद्दी हिमाचल में देखने को मिलते हैं, कोटाज, ये कोटाज है, टोडा लिखा है पता नहीं, कोटाज लिखा है, ये
केरल में देखने को मिलते हैं, नहीं ये तमिलनाडु और कर्नाटका में देखने को मिलते हैं नीलगिरी पर्वत पर। तो नॉट करेक्ट पूछा है तो ऑप्शन डी हो जाएगा, या ये कोटाज भी हो जाएगा। कोटाज कहाँ मिलते हैं देखने, कोटाज आंध्र और तमिलनाडु में देखने को मिल जाते हैं, तो ये नहीं होगा, तो ऑप्शन डी ओनली हो जाएगा। ठीक है, अगर ये भी होता तो आप ये वाला ऑप्शन लगा सकते थे, मोर देन वन ऑफ द अबव वाला। भारमौर ट्राइबल रीजन इज लोकेटेड इन, भारमौर क्षेत्र कहाँ पर है? तो भारमौर की बात करें तो चंपा डिस्ट्रिक्ट है, चंपा डिस्ट्रिक्ट इसकी एक टाइम पर ये कैपिटल हुआ करता था, एंशियंट कैपिटल। और चंपा कहाँ पर है? ये हिमाचल प्रदेश में है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, भारमौर ट्राइब कहाँ देखने को मिलेगी? चंपा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर लिस्ट वन में ट्राइब्स दी गई हैं और लिस्ट टू में लोकेशन दी गई हैं। भील जनजाति राजस्थान में देखने को मिलेगी, गोंड जनजाति आपको छत्तीसगढ़ रीजन में देखने को मिलेगी, लिम्बूज आपको देखने को मिलेंगे सिक्किम में, और कोनियाक देखने को मिलेंगे नागालैंड में। कोनियाक कहाँ? नागालैंड में। तो इसका क्या हो जाएगा, ए का टू हो जाएगा, तो दो तो ऑलरेडी कट जाएंगे, बी का थ्री हो जाएगा, बी का थ्री दोनों से, लिंबू सी का फोर्थ, सी का फोर्थ इसमें है, तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, एक तरफ ट्राइब दी गई है एक तरफ लोकेशन दी गई है। अंगामी जनजाति नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में देखने को मिलती है, नागालैंड में देखने को मिल जाएगी, बिरहोर ये झारखंड वाले क्षेत्र में मिल जाती है देखने को, टोडा जनजाति तमिलनाडु में बिल्कुल नीलगिरी पर्वत पर के आसपास, और खास ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं मिलती देखने को, कहाँ मिलती है? उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश वाले रीजन में देखने को मिल जाती है, जम्मू कश्मीर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश वाले रीजन में ये खास पॉपुलेशन देखने को मिल जाएगी। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, नॉट करेक्ट पूछा है। द तमरिया ट्राइब आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया, यहाँ तमरिया जनजाति के बारे में बोला गया, किस राज्य में देखने को मिल जाती है? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, झारखंड वाले क्षेत्र में देखने को मिल जाएगी। काफी क्लोज पूछ लिया है, वेस्ट बंगाल भी पास है, तो झारखंड इसका क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूपी आर ओ ए आर ओ प्री 2021 में ये सवाल पूछा गया है तमरिया जनजाति से। विच ट्राइब वर्शिप लोहासुर एज देयर डाइटी, कौन सी इनमें से जनजाति लोहासुर, लोहासुर मतलब जो आयरन है लोहा है उसको भगवान के रूप में देखती हैं, लोहे को ये भगवान के रूप में देखते हैं, तो लोहासुर इनका क्या है, मेन भगवान है। ठीक है, मेन भगवान है, मेन डाइटी है, तो कौन सी जनजाति है, गोंड भील कोरकू या अगारिया? तो अगारिया जनजाति क्या है, आयरन को पूजते हैं, लोहासुर देवता को, लोहासुर ये किसका किसको मानते हैं, काल भैरव को ही मानते हैं, काल भैरव को लोहासुर मान के पूजा करते हैं। ठीक है, तो कौन सी जनजाति, अगारिया जनजाति है। अगारिया जनजाति कहाँ देखने को मिल जाती है, मेनली सेंट्रल इंडिया वाले पार्ट में, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, गाहिरा गुरु बिलोंग टू विच ट्राइब, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2019 में पूछा गया था। तो गाहिरा गुरु जो स्वामी रामेश्वरम, स्वामी रामेश्वरम रामेश्वरम कंवर, तो इनको ही क्या है, गाहिरा गुरु बोला जाता है, स्वामी रामेश्वर कंवर को ही गाहिरा गुरु बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या है जो ट्राइबल वर्ल्ड है उसको थोड़ा चेंज करने की कोशिश की अपने ज्ञान से, स्पिरिचुअल बातें बता बताकर। तो गाहिरा गुरु कौन सी जनजाति से बिलोंग करते थे, कंवर नाम लिखा गया है, तो स्वामी रामेश्वरम कंवर, तो कंवर जनजाति से थे। नेक्स्ट, काठी इज अ, काठी इनमें क्या है, कास्ट है, ट्राइब है, वुडन आर्ट है या फोक डांस है? तो काठी क्या है, फोक डांस है, काठी क्या है,
फोक डांस है। किस एरिया में देखने को मिल जाएगा ये? आपको होशंगाबाद वाले रीजन में देखने को मिल जाएगा। होशंगाबाद ये मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाता है। काठी क्या है? फोक डांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच। एक तरफ ट्राइब दी गई है और एक तरफ स्टेट दिया गया है। कौन कौन सी ट्राइब है, किस स्टेट में पाई जाती है? कैरिया की बात करें तो कैरिया जनजाति कहाँ देखने को मिल जाती है? उड़ीसा वाले रीजन में। देखिए यहाँ पर करेक्ट पूछा है, तो कैरिया जनजाति कहाँ देखने को मिलती है? उड़ीसा में नहीं देखने को मिलती है। कुकी जनजाति ये यूपी में नहीं है और नॉर्थ ईस्ट रीजन में देखने को मिलती है कुकी जनजाति। और येनाडी, येनाडी ये राजस्थान में नहीं मिलती, कहाँ? आंध्र प्रदेश में मिलती है। पालियान, पालियानी ये तमिलनाडु वाले रीजन में देखने को मिलते हैं। खारिया ट्राइब ये केरिया बोला गया, अगर खारिया होता इसकी जगह तो खारिया तो सही हो जाता। तो यहाँ पर खारिया ट्राइब तो मिलती है उड़ीसा में, लेकिन कैरिया नहीं मिलती है, कैरियर नहीं मिलती है। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर दो ऑप्शन यहाँ पर, वन भी लग रहा है और डी भी लग रहा है, अगर खारिया होता तो उड़ीसा, वैसे इसका करेक्ट होना चाहिए ऑप्शन डी। यार कुछ क्वेश्चन यहाँ लैंग्वेजेस से देख लेते हैं, भाषा से आधारित। विद रेफरेंस टू इंडिया द टर्म्स हाल भी, हो एंड कुई ये क्या है? ये आईएएस प्री 2021 में पूछा गया। हाल भी, हो एंड कुई ये क्या है? डांस फॉर्म ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, प्री हिस्टोरिक के पेंटिंग्स, ट्राइबल लैंग्वेज। तो ये क्या है? भाषा है। आपने हो जनजाति सुनी होगी, हो भाषा बोलते हैं। कुई सुनी होगी, कुई आपने देखा होगा, चीटी की चटनी, चीटी चीटी की चटनी बनाकर खाती है कौन सी ट्राइब? कुई जनजाति, चीटी की चटनी। तो ये क्या है? कौन कौन से? हो, कुई, हल्बी, ये क्या है? ट्राइबल लैंग्वेज है। ऑप्शन है डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, विच इंडियन लैंग्वेज इज स्पोकन मैक्सिमम इन द वर्ल्ड आफ्टर हिंदी? हिंदी के बाद कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? तो बंगाली इसका करेक्ट आंसर होगा। फर्स्ट पर कौन? हिंदी लैंग्वेज बोली जाती है। सेकंड पर आपकी बंगाली भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज आफ्टर हिंदी इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज। भारतीय उपमहाद्वीप में हिंदी के बाद, ये भारतीय उपमहाद्वीप ये और भी कंट्रीज हैं, आठ भारत के साथ और सात कंट्री और मिलती हैं। तो ये भारतीय उपमहाद्वीप में और हिंदी के बाद कौन सी भाषा ज्यादा बोली जाती है? तो बंगाली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज आफ्टर हिंदी इज, ये भी बंगाली होगा। तो बंगाली याद रखना है, सेकंड मोस्ट लैंग्वेज है स्पोकन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लिंग्विस्टिक ग्रुप ऑफ इंडिया? इनमें से कौन सा लार्जेस्ट लिंग्विस्टिक ग्रुप है? सीनो तिब्बतन, इंडो आर्यन, ऑस्ट्रो ऑस्ट्रियन या द्रविडियन? तो इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा इंडो आर्यन। जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है ये सब किसके अंतर्गत आता है? इंडो आर्यन के अंतर्गत आता है। तो करेक्ट आंसर इसका इंडो आर्यन हो जाएगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस बिलोंग्स टू द ऑस्ट्रिक ग्रुप? इनमें से कौन सी लैंग्वेज ऑस्ट्रिक ग्रुप से बिलोंग करती है? मराठी, लद्दाखी या खासी या तमिल? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? खासी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खासी बिलोंग करती है ऑस्ट्रिक ग्रुप से। जो खासी, संथाली, मुंडारी, भूमिज ये किस में आती हैं? ऑस्ट्रिक ग्रुप में आती हैं। खासी और कौन कौन सी यहाँ पर? मुंडारी, मुंडारी, संथाली, भूमिज ये सब आती हैं ऑस्ट्रिक ग्रुप में। तो याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर मैप दिया गया है और एरिया दिया गया है, फिर एरिया देख के आपको क्रम में लगाना है, ए बी सी डी। यहाँ पर चार क्षेत्र दिए गए हैं, अवध दिया गया है, भोजपुरी, मतलब अवधी, भोजपुरी, ब्रजभाषा और मैथिली, तो इनको लगाना है। अब देखिए यूपी का आप अगर रीजन देखोगे तो ब्रजभाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है? ब्रजभाषा आपको मथुरा वाले रीजन में देखने को मिल जाएगी, ठीक है।
अवधी भाषा आपको क्या है, अवध क्षेत्र में जो लखनऊ वाला एरिया है तो इस एरिया में देखने को मिल जाएगी अवधी भाषा, ब्रज भाषा। इसके बाद फिर आपको भोजपुरी, भोजपुरी आपको कहाँ देखने को मिलेगी, पूर्वी यूपी में, और जो पश्चिमी बिहार है उसमें देखने को मिल जाएगी, पूर्वी यूपी में। और मैथिली कहाँ देखने को मिलेगी, मैथिली आपको बिहार में देखने को मिलेगी, ठीक है, बिहार में, तो पूर्वी यूपी। तो अब इनको आप लगा सकते हो क्रम से, पहले मथुरा आएगा, फिर अवधी आएगा, फिर भोजपुरी आएगा, फिर मैथिली आएगा। तो पहले ब्रज भाषा आएगी, ब्रज भाषा, ब्रज, देन इसके बाद अवधी, इसके बाद फिर आपका आएगा भोजपुरी, और फिर आएगा मैथिली। ये सही क्रम है, देखिए क्या दिया हुआ है, ब्रज भाषा, भोजपुरी, मैथिली, अवधी। गलत है, अवधी पहले नहीं आ सकता, ब्रज भाषा, अवधी, भोजपुरी, मैथिली, ये सही सीक्वेंस है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, आईएएस प्री 1997 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज गिवन द क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस इन 2014। किस भाषा को 2014 में, क्या है, 14 में क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था। तो क्लासिकल लैंग्वेज कौन कौन सी हैं, 6 क्लासिकल लैंग्वेज हैं। पहले, सबसे पहले तमिल, तमिल लैंग्वेज को क्या है, क्लासिकल लैंग्वेज घोषित किया गया था 2004 में। उसके बाद फिर संस्कृत को, संस्कृत को 2005 में क्लासिकल लैंग्वेज घोषित किया गया था। इसके बाद फिर साउथ की ही आती हैं, तेलुगु आती है, तेलुगु, तेलुगु और कन्नड़, तेलुगु और कन्नड़ को 2008 में घोषित किया गया था, तेलुगु और कन्नड़ को 2008 में। उसके बाद आती है मलयालम, मलयालम को 2013 में क्लासिकल लैंग्वेज घोषित किया गया था, और 2014 में उड़िया को घोषित किया गया था। तो ये टोटल 6 क्लासिकल लैंग्वेज हैं। तो इस क्लास में हमने क्या है, जो बचे हुए क्वेश्चन थे यहाँ पर ट्राइब से रिलेटेड, और कुछ क्वेश्चन से यहाँ पर हमने लैंग्वेज से रिलेटेड देखे हैं। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें, रिवाइज करते रहें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।